उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में हुए एक कांड पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता महंगाई और बेरोजगारी से काफी ज्यादा परेशान है, साथ ही अब बुलडोजर नीति से भी परेशान होना शुरू हो चुकी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा, देश और खासकर उत्तर प्रदेश जैसे गरीब और बेरोजगार, महंगाई और पिछड़ेपन आदि से त्रस्त विशाल राज्य में भाजपा की सरकार की लोगों को अति लाचार और आतंकित करने वाली बुलडोजर राजनीति से गरीब लोगों की जान जाने लगी है, जो अति दुखद और निंदनीय है। सरकार अपना जन विरोधी रवैया बदले। बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने ट्विटर हैंडल से इसके अलावा ट्वीट करते हुए लिखा, कानपुर देहात जिले में अतिक्रमण हटाने के नाम पर हुई ज्यादती और आगजनी की घटना के दौरान झोपड़ी में रहने वाली माँ बेटी की मौत तथा 24 घंटे बाद उनके शव उठने की घटना यूपी सरकार के विज्ञापित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से ज्यादा चर्चाओं में है। ऐसे में यूपी का जनहितकारी भला कैसे संभव हो सकता है, ये बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा है। और उन्होंने कहा कि बुलडोजर नीति अब निर्दोष गरीब लोगों की जान जाने लगी है, सरकार अपना जन विरोधी रवैया अब तुरंत बदले, ये सही नहीं किया जा रहा।